उन्होंने बनाया है कि नहीं बनाया, टेंशन हो गई है। 12 बजने में 1 मिनट रह गए बस। लो बापू जी, खा के इश्क हो जाना तुहानू, आओ तुहानू दिखाई। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट व्लॉग में हमने देखा होगा जो हमने पापा के बर्थडे के लिए गिफ्ट्स वगैरह लिए थे। एक केक में ऑर्डर देकर आया था, कस्टमाइज केक जो मैंने अपने पसंद का बनवाया था, और उसकी आज डिलीवरी है। देखते हैं कैसा बनेगा केक। सो फिंगर्स क्रॉस अच्छा बना हो, नहीं तो बेइज्जती बहुत हो जाएगी। इतना महंगा केक भी लिया और अच्छा नहीं बना, तो देखते हैं। अब यहाँ से पहले मैं जा रहा हूँ जिम। आज सोच रहा हूँ मैं आर्म्स ट्रेन करूँ। आज ज़्यादा मन नहीं है ट्रेनिंग करने का, क्योंकि आज मैंने सुबह की डाइट ना अच्छे से प्रॉपरली फॉलो नहीं की। पता नहीं क्यों, मेरे को आज मन नहीं किया फॉलो करने का। मतलब कि ना मैंने प्रोटीन अच्छे से लिया, ना मेरा कार्ब्स अच्छे गए हैं, मतलब मिड मिड पे हूँ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आर्म्स ट्रेन कर लूँ। आज 19th है और 20th को पापा का बर्थडे है, मतलब कि कल। और आज रात 12 बजे हम केक कट करेंगे, और जो कल हमने गिफ्ट्स वगैरह लिए थे जो अपने व्लॉग में देखे होंगे, वो आज रात रिवील करूँगा। एक चीज़ और है जो बड़ी थी, बढ़िया थी, मतलब सबसे बढ़िया गिफ्ट है, वो अभी तक दिखाया नहीं था मैंने व्लॉग में। लास्ट में आपने व्लॉग में देखा नहीं होगा, वो आज रिवील करेंगे। सो बने रहिए व्लॉग में, होप आपको गिफ्ट्स अच्छे लगेंगे, और हम जो कल फन वगैरह करेंगे, हम यहाँ भी जाएंगे, वो भी आपको अच्छे लगेंगे। सो भाई, जिम के लिए निकलने लगा था मैं, और कल वाले व्लॉग में आपको अपने डॉग से मिलाया था ना, वो उससे मैं आपको फिर से मिलाता हूँ आज। और बड़ा ही अच्छा डॉग है यार, क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। मतलब कि इतना काम करता है, बाकी सारे डॉग वेले रहते हैं, सिर्फ ये इतना काम करता है, और दिन में सिर्फ एक ही काम करता है भाई। और जो ये काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिन में एक ही काम करता है, और वो सारा दिन करता है। वो पता क्या करता है, देखो ये करता है, सोता है। आपने देख लेना भाई कितना काम करता है ये। सो ये हमारे घर में सिर्फ सोता है और कुछ नहीं करता, और सोने के अलावा इसे और कोई काम नहीं है। वर्कआउट हो गया हमारा डन, और अब हम केक लेने जा रहे हैं। उनका फोन नहीं आया, वो कह रहे थे कि कल फोन करेंगे जब बन जाएगा। 9:30 बज गए हैं, और लास्ट उनका बंद होने की टाइमिंग भी है। हमें हुआ पड़ा कि शायद वो उन्होंने बनाया है कि नहीं बनाया, टेंशन हो गई है। अब देखते हैं, बनाया हो नहीं तो फिर देखी जाएगी। चलो सो गाइज, टाइम हो रहा है रात के 12 बजने में, अभी 10 मिनट पड़े हैं, और पापा अंदर बैठे हैं। उनको कुछ नहीं पता है कि उनके लिए केक आया हुआ है और गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये देखो, मैंने गिफ्ट्स बाहर निकाल कर रख लिए हैं, सारे इसी में पड़े हैं। और केक जो है, केक दीदी जो आपने पिछले व्लॉग में देखे होंगे, वो अपने घर के पास ही इधर ही रहते हैं, तो केक मैंने आते हुए रास्ते में उनको पकड़ा दिया था। पूरे 12 बजे तक वो घर आएंगे, और वो केक वही लेकर आएंगे, और पापा का सरप्राइज़ देंगे। बस 10 मिनट रह गए हैं, अंदर पापा बैठे हैं, चलते हैं 10 मिनट में, और देखते हैं उनको सरप्राइज़ कैसा लगता है। टाइम हो रहा है 12 बजने में, 1 मिनट रह गए बस। जैसे ही 12 बजेंगे अंदर जा रहे हैं। बस हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you.
ये सबसे एक्सपेंसिव वाला गिफ्ट है और जो जिसके सस्पेंस ज्यादा बना था। लो पापा ही बाय बाय, थैंक यू। अभी रात के 1 बजने वाला हो गया, ऑलमोस्ट सारी पार्टी वगैरह सब ओवर हो गई है। इस चीज के मेरे को जो मेन चीज की थी, मैं कह सबको केक अच्छा लगे क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कस्टमाइज केक बनवाया था। एक्चुअली एक फ्लेवर भी अलग सा कह रहे थे, वैसे तो हम चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, बट इस बार मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करें, तो उन्होंने कोई नया ही अपनी तरफ से केक का फ्लेवर अच्छा सा बनाया था। मैंने उनको कहा था जो आपको अच्छा लगे, कि घर वालों को अच्छा लगना चाहिए, सो उन्होंने वैसा बनाया था। मेरे को टेंशन थी कि पता नहीं इनको पसंद आएगा कि नहीं, बट सबको पसंद आया, पापा को भी, मम्मा को भी और दीदी को भी, मतलब बहुत अच्छा लगा। और जो गिफ्ट्स थे जो हमने, जैसे कि मैंने आपको कहा था सस्पेंस खोलना है, वो सारे मैंने आपके सामने हैं। कपड़े वगैरह ज़्यादा लिए थे और जो मेन एक रिंग ली थी पापा के लिए, वो हम आज ही लाए थे स्पेशल, वो पापा को बहुत अच्छी लगी। आप भी कमेंट करके बताना आपको गिफ्ट्स कैसे लगे, रिंग कैसी लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के बज रहे हैं 10, और जैसे कि आपको पता पापा का बर्थडे है घर में। हाँ जी, हम आए उपर आए लुधियाने भी की दुकान, एक दो दुकान और ने इन्हां दीयां। अच्छा, मैं कहना ओकर बोड़ा भटूरे, चलो खा के इश्क हो जाना तुहानू। आओ तुहानू दिखाई, कहते पापा दे बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है, सारी अज पार्टी इत्थे होगी। चेक करो आलू आंदा पानी मुंह च, एक मिनट चेक करो पहले दिखाओ अपने सारे बंदे अपने नहीं। सारे अपने नहीं। सारे अपने ने क्यों फेमस होने जा रहे हैं, भटूरे खाने जा रहे हैं। आए शाम के बज रहे हैं 7, रेडी हो गए हैं। वहां से पार्टी करके आके मैं तो थक गया था, क्योंकि इन्होंने स्पेशल प्लान बना लिया कि हमने पार्टी करनी है, तो पार्टी भी यहाँ नहीं लुधियाने में, स्पेशल हम फगवाड़े गए, स्पेशल फगवाड़े के भटूरे खाने हैं। वहाँ से आए तो थक गए, मैं तो थक गया, मैं आके सो गया और सीधा अभी 5 बजे उठा हूँ, रेडी रूडी होके अब तैयार हुए हैं।